ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक से पहले उन्होंने ग्वालियर को गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा मिलने पर नगर निगम कमिश्नर को बधाइयां दी। इसके बाद उन्होंने शहर की सड़क, पेयजल व्यवस्था के साथ ही वैक्सीनेशन और डेंगू को लेकर चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी ली। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को निर्देश दिए हैं कि शहर की सड़कें, विशेष रूप से जो प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ती है, उन्हें जल्द दुरुस्त करवाया जाए। टीकाकरण अभियान को भी गति देने के लिए नगर निगम, जिला पंचायत सहित अन्य विभागों का पूरा उपयोग करते हुए 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री सिलावट ने जिले में अभी भी कहर बरपा रहे डेंगू को लेकर CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा को सख्त हिदायतें दी कि वह इस मामले में अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा प्रहार महा अभियान को घर घर तक पहुंचाया जाए ताकि डेंगू के मामलों में कमी लाई जा सके। उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को भी निर्देश दिए कि वह साफ सफाई को मजबूती दे ताकि शहर के लोगों के स्वास्थ्य पर इसका कोई विपरीत असर ना हो। अंत में बैठक के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि आने वाले दिनों में इंदौर के स्थान पर वह ग्वालियर को स्वच्छता रैंकिंग में पहले पायदान पर देखना चाहते हैं। ऐसे में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर सभी कार्यों को पूरा किया जाए और जन भागीदारी के साथ इस मुकाम को हासिल भी करें। टीम भारती न्यूज। जो शहर में डेंगू की बात थी, नगर निगम और जिला जिसको निर्देश दिए हैं इसको युद्ध स्तर पर निपटा जाए, और इसी प्रकार से जल जीवन मिशन जो पूरे जिले में एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री की योजना, मुख्यमंत्री का संकल्प, उसको गति देने की बात कि पानी का वितरण समान तरीके से है, शुद्ध कितने भी चाहे टोला हो, मजरा हो, उस योजना का, जल जीवन मिशन का पानी का लाभ उसको भी मिले, हर टापरे को मिले, हर घर को मिले, यह हमारा संकल्प है। इसको भी हमने समिति ग्रामीण अंचल में जो बहुत शिकायत आती थी, नामांतरण बंटवारा बटन कर मात्र 30 दिन में पूरे करो, किसानों को चक्कर नहीं काटना पड़े, ये हमने आज निर्णय लिए हैं। और मवेशियों के लिए गौशाला, उसकी भी प्रगति के लिए हमने बात की है। और ग्वालियर सफाई में, स्वच्छता में कैसे नंबर वन आए, इसके भी मैंने निर्देश दिए हैं। एक संयुक्त बैठक हम ग्वालियर और इंदौर की हम करने वाले हैं। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।